जो बिग बिजनेस है, बिग बिजनेस का मतलब वो जो पूरी दुनिया के अमीर में सबसे अमीर लोग हैं, वो कुछ लोग कंट्रोल करते हैं और उसके जरिए पूरी दुनिया को कैप्चर करते हैं, वहाँ की हुकूमतों के बारे में, वहाँ की पॉलिसीज में दखल रखते हैं कि इससे हमारे पास पैसा आएगा। और दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी बची नहीं, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट एन अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लहू हमदन कसीरन कमा अमर वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह वाशहदु अन्ना सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुह। बिरादरान किराम, खुतबों में वो एक तसलसल से जिसे सीरीज हम कहें वो चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ निज़ाम, जिंदगी के निज़ाम ज़िंदगी, उनका तस्करा था। और साथ में मैं ये रखता जाता हूँ कि इस्लाम ने इनकी खूबियाँ ली हैं लेकिन इस्लाम किस हद तक इनसे मुख्तलिफ है। दो खुतबों में एक फैशिज्म के बारे में मैंने बताया और कम्युनिज्म के बारे में, और आज का उन्वान है डेमोक्रेसी या जमहूरियत। डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर हमेशा से, जब लोग बड़े और आपस में साथ में एक समाज बना, सोसाइटी बनी और साथ में रहना शुरू किया, तो ये ज़रूरत महसूस की जाती रही हमेशा कि कोई नज़्म होना चाहिए। वो सिस्टम क्या हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके और लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो अवाम में भी कोई किसी तरह का कोई डिसिप्लिन और नज़्म होना चाहिए, और वो डिसिप्लिन ऊपर से इन्फोर्स हो, हुकूमत भी ऐसी हो। तो वो सिस्टम क्या हो जिससे अवाम का भला होगा या अवाम का फ़ायदा होगा, ये सोच रही है। इस सोच के तहत दुनिया के अंदर तरह तरह के तजुर्बात होते चले आए हैं। अब इसे हम एवोल्यूशन कह सकते हैं या ट्रायल एंड एरर कह सकते हैं। हमने तजुर्बा किया, गलतियां निकली बहुत, फिर वो तजुर्बे फेल हो गए, कोई और तजुर्बा किया। दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ इलाकों में तरह तरह के तजुर्बात होते रहे। और ये तजुर्बा जब इस शक्ल में पेश किया जाता है, एक एक कोई फिलासफर लेकर आता है और इस शक्ल में जब पेश किया जाता है कि इसके अंदर मसाइल का हल है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो फिर बड़े लंबे अरसे चलता है वो, जहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद उसके लंबे अरसे का मतलब ये कि कम से कम 50 साल से ज़्यादा, 70-80-100 साल, इससे ज़्यादा, तो फिर ये निकल कर आता है क्या खूबियाँ हैं और क्या खराबियाँ हैं, वो निज़ाम बेहतर अवाम के लिए है या नहीं है। तो इसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं कि हम तजुर्बे करते चले जाएं और देखते चले जाएं कि कहाँ खामियां हैं, गलतियां हैं, नुकसान हैं या कुछ फ़ायदे हैं। ये ट्रायल एंड एरर इंसान का जारी रहा, और उसी में से एक तजुर्बा जो है वो डेमोक्रेसी या जमहूरियत का है। सोच तो कहा जाता है कि बहुत पहले से चली आ रही कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और इंसान को हक़ है, हर एक को ये हक़ है कि वो ये तय करे कि हम किस तरह के नज़म में रहें और हुकूमत कैसी हो। ये सोच बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि सबसे पहले जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो कायम हुई यूनान में कायम हुई थी हज़रत ईसा से 550 साल पहले। लेकिन वो जो जमहूरियत डेमोक्रेसी थी उसके जो कुछ भी फीचर्स या खदोखाल थे, रूपरेखा, मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा कि हम जो कुछ समझते हैं वो उस तरह की जमहूरियत थी या नहीं थी। तब से लेके आज तक ये हज़रत ईसा से 500 साल पुरानी बात, यानी 2500 साल से ज़्यादा हो गए, तब से लेके आज तक जमहूरियत के या डेमोक्रेसी के तरह तरह के तजुर्बात दुनिया के अंदर होते रहे। डेमोक्रेसी ही के अंदर, जमहूरियत के अंदर उसके नज़्म वो कैसी होनी चाहिए और किसे कहते हैं, उसमें तब्दीलियाँ होती नहीं दुनिया के हर मुल्क में, जहाँ जहाँ भी ये कोशिशें की गई, ये तजुर्बा किया गया, वो तजुर्बात आज तक जारी हैं। कोई एक सेट नज़्म या प्रोसेस ये निकल कर अभी तक नहीं आ सका कि जमहूरियत या डेमोक्रेसी किसे कहेंगे और उसकी सही रूपरेखा क्या होगी जिसे कायम किया जाए। लफ्ज आज़ादी इंसान को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो हुकूमतें भी जहाँ हम अपनी ज़बान में कहते हैं तानाशाही, आमरियत है,
किसी एक रूलर का हुक्म चलता है उसकी अपनी मर्जी से, वो भी कहते हैं हमारे यहाँ सब आज़ाद हैं, ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ सब पाबंद हैं, जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेंगे। तो ज़बान से ये कहने की बात, ये लफ्ज़ अच्छा लगता है लोगों को जिनके ऊपर रूल किया जाता है। तो आप में से शायद ज़्यादातर को ताज्जुब होगा कि दुनिया में सिर्फ 7 मुल्क ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत डेमोक्रेसी नहीं है, बाकी सब कहते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है हमारी। ये कम्युनिस्ट चीन भी कहता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कम्युनिस्ट रूस रशिया भी कहता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है लोग उससे चुनकर जाते हैं, लोगों को आज़ादी है, सिर्फ 7 ममालिक हैं। तो फिर अब हम किसे कहेंगे कि डेमोक्रेसी कहाँ है और कहाँ नहीं है? तरह तरह से इसकी तारीफ की गई है, डेफिनेशंस आई, उसमें जो सबसे ज़्यादा मकबूल या पॉपुलर है कि वो यह है कि असल में डेमोक्रेसी या जमहूरियत लोकतंत्र वो है जहाँ आवाम खुद अपने ऊपर हुकूमत करे, हुकूमत जो है उनके ऊपर कोई दूसरा नहीं थोपे, कोई निज़ाम नहीं थोपे, आवाम जैसा चाहते हैं वैसे कानून बने। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए जो है वो ये डेमोक्रेसी जमहूरियत है। और इसका उसके अंदर कभी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, कहीं इनडायरेक्ट होते हैं कि लोग जो है आवाम चुने, उन नुमाइंदों को चुनकर भेजें जो कानून बनाएंगे और जो आवाम पर हुकूमत करेंगे, तो ये आवाम की अपनी हुकूमत हो गई। इसलिए कि आवाम ने चाहा था कि हमारे ऊपर कैसा निज़ाम राइज हो, वो उन्होंने चुनकर भेज दिया। सुनने में बड़ा दिल फरेब सा लगता है, और हमारे यहाँ तो ये भी बहुत कसरत से कहा जाता है मुसलमानों में। इस्लाम भी डेमोक्रेसी की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, बहुत सी फीचर्स उसके डेमोक्रेसी के या जमहूरियत के लोकतंत्र के निकाल कर मुकाबला किया जाता है कि देखिए इस्लाम यही तो सब कहता है निज़ाम हुकूमत के मामले में। फिर एक और टर्मिनोलॉजी भी आ गई इस्लामिक डेमोक्रेसी। एक तो यह कि जमहूरियत इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया जमहूरिया ईरान इसला, ये एक अलग नई एक निकल कर आ गई। इसलिए कि लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, लोगों को अपील करता है कि हमारे हैं इख्तियारात। अवाम के कितने इख्तियारात हैं, ये जितने मुल्कों के अंदर अब बाकायदा डायरेक्ट भी इलेक्शन होता है जिससे हुकूमतें आती हैं, ये उनसे पूछा जाए कि उनके इख्तियारात कितने हैं, उन्होंने चुनकर जिन्हें भेजा तुम क्या चाहते थे कैसा कानून बने, उसमें क्या क्या हो, वो प्रोसेस क्या होता है जिससे कानून बनता है, वो प्रोसेस वो तरीका क्या होता है कि जिसमें उस कानून के अंदर अगर कुछ गलती हो तो तब्दीलियां कर ली जाएं, ये अवाम नहीं जानते। ये 80% से ज़्यादा अवाम नहीं जानते वो जो वोट देकर लोगों को भेजते हैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में, सब जगह ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो ये हुई कि जमहूरियत जो कुछ कहा जाता है उसके बारे में वो असल में तो उस मुल्क के लिए है जहां अवाम खूब पढ़े लिखे हों, दानिशमंद हों, दानिश्वर हों सब, और वो खूब सोच समझकर लोगों को नुमाइंदों को भेजें कि ये क्या सही है और क्या गलत है ये सब जानते हों, और उनका वहां पर क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो हुकूमत करते हैं, ये सारी तफसीलात से अच्छे तरीके से जो वाकिफ हों, समझते हों, उसकी अच्छाइयाँ समझते हों, उसकी बुराइयाँ समझते हों। उस मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी या जमहूरियत के बारे में कहा जाता है वहाँ के लिए तो वो सही है या गलत, ये अलग अलग बात है, लेकिन जो उसके बारे में दावा किया जाता है तो असल में तो इसके तजुर्बा वो सिर्फ वहीं पर हो, लेकिन जहाँ आवाम की अक्सरियत नहीं जानती, बड़ी अक्सरियत नहीं जानती, दुनिया के बहुत मुल्क हैं, तो वो वोट देकर अपने नुमाइंदों को भेज दें, हमें इन्हें नहीं मालूम कि उनकी सियासत क्या चलेगी, और वो अपने अवाम के मफाद के एतबार से कानून बनाएंगे या अपने मफादात को ज़्यादा ऊपर रखेंगे, ये इनके हाथ में फिर नहीं होगा। एक तो ये कि तब तय हो जहाँ पर सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो, जहाँ सारे सियासी तौर पर सियासी शऊर हो उनके अंदर, जहाँ दानिश्वर हो, जहाँ पढ़े लिखे हो, जहाँ सोच समझ तालीम याफ्ता हो,
और उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत हो, या कम से कम सब न हो तो, जैसे मैंने 80% कहा, नहीं जानते 80% तो हो ऐसे, फिर उस तजुर्बे को देखा जाए कि ये सही है या गलत, वरना जज नहीं किया जा सकता ये कहना कि ये सही है या गलत है, उसके बारे में फैसला कर दिया जाए। या तो सभी दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ है जमहूरियत या डेमोक्रेसी। फिर एक बहुत और दूसरा जो बेसिक बुनियादी फीचर है डेमोक्रेसी का या जमहूरियत का, लोकतंत्र का, वो ये है कि अवाम की हुकूमत नहीं, अक्सरियत की हुकूमत। बड़ा फर्क है इसके अंदर, अवाम की हुकूमत और अक्सरियत की हुकूमत के अंदर। और अक्सरियत भी एक ज्यादातर ममालिक के अंदर धोखा है, किसी जगह पर अमलन प्रैक्टिकली टू पार्टी सिस्टम है अगर, तो वहां तो यह हो जाएगा कि अक्सरियत एक पार्टी की आई और एक पार्टी को 51% मिल गए, दूसरे को तकरीबन 49% मिल गए, 49%, तो वहां तो यह कहा जा सकता है अक्सरियत की बन गई। या अक्सरियत की भी बन गई तो किसी जगह अगर आधे से थोड़े से ज्यादा लोगों ने किसी पार्टी को, जहां लोग समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं बहुत से, किसी पार्टी को वोट दिया और उसने हुकूमत शुरू की, तो उसकी पॉलिसीज मुल्क के मफाद में होंगी या अपने आप को और मजबूत करने के लिए होंगी, या वो पॉलिसीज वो बनाएंगे जो 51% की ख्वाहिश है, या उनकी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखेंगे जो जिसे सिर्फ 1% या 2% कम होने की वजह से माइनॉरिटी या अकलियत कहा जा रहा है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया था। बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी कहलाती है, मैं तो तजुर्बात बता रहा हूं, अब तक बदल रहे हैं, बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है जमहूरियत कहलाती है यूएसए के अंदर, के लोग वाकई आजाद हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जैसे दो टू पार्टी सिस्टम है सचमुच अक्सरियत की। बाकी तो दूसरे ममालिक के अंदर जहां मल्टी पार्टी है तो आप जानते हैं ना, जहां बहुत सी पार्टियां के 30% के ऊपर भी अक्सरियत आ जाती, वाज़े अक्सरियत किसी की 30% के ऊपर, और किसी दूसरे की के साथ कोलिशन मखलूत मिलीजुली सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो 30% जिन्होंने 30% वो जिन्होंने वोट दिया वो हुकूमत कर रहे हैं सबके ऊपर या करेंगे, और उसे कहा जाएगा कि ये अक्सरियत की सरकार है, ये अवाम की सरकार है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं उन ममालिक की कि जहां पर अमलन प्रैक्टिकली टू पार्टी सिस्टम है, तो वहां तो फिर यह है कि भाई एक को 51% मिले, दूसरे को 49% मिले, और अक्सरियत जो है वो जीती, सचमुच अक्सरियत थी। अब वो अक्सरियत के हिसाब से वो रूल करेंगे, और बाकी साल भर दूसरी पार्टी ये हिसाब लगाती रहेगी कि कौन सा ग्रुप और कैसा, हमारी कहाँ पे कमी पड़ गई, और जो इंटरेस्ट हमारे थे, जो पॉलिसीज हमारी थी, उसको 2% कम लोगों ने पसंद किया, 2% ज़्यादा जो है वो उधर हो गए। तो ये अवाम की हुकूमत नहीं हुई। फिर दुनिया के बड़े हिस्से में, जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि लोग नहीं हैं पॉलिटिकली कॉन्शियस, या सियासी वो शऊर नहीं है, या इतने तालीम याफ्ता नहीं है, इतनी समझबूझ नहीं रखते कि क्या निज़ाम होना चाहिए और कैसा होना चाहिए और उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं है, इतना शऊर नहीं रखते बड़े हिस्से के अंदर। तो फिर वो अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं। इन सारे ममालिक के अंदर सब में, किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही, कैंडिडेट क्या क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, इसलिए कि पब्लिक तो वाकिफ नहीं है। अब पब्लिक ये देख रही है हमारा इंटरेस्ट किस में है, वो ये नहीं देख रही मफाद आम्मा या इंसानियत का इंटरेस्ट किस में, हमारा शॉर्ट टर्म गेन वक्ती इंटरेस्ट किस में, मफाद किस में है, हमारी कास्ट जो है उसके द्वारा लोग ज्यादा आ जाएंगे मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। उन्होंने कहा कि हम तो फिर इसको तो वोट देंगे और इसको आगे जा, बस इतना ही है वो हुकूमत करने का मतलब, जो अवाम की नज़र, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहे दिल से समझते हो कि हमारी कास्ट आ जाए, उन्हें पैसे मिले, उनको शराब तकसीम की गई और एक दिन पहले उन्होंने कहा छोड़ो हमें तो इस वक्त ये मिल रहा है ना, इसे दे दो, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ हुई, वो जमहूरियत कहाँ हुई। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में जो जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ किस तरीके से होते हैं, किसी एक मुखिया से कह दिया गया उसको तोड़ लिया,
उन्होंने कहा बाकी तो हमें मिलने ही मिलने ही, तो हर कीमत पे मिलेंगे, बाय फोर्स रोक देगा वो, आने नहीं देगा जो वोट नहीं देने वाले। इसे अवाम की या लोगों की सरकार कहा जाएगा कि ये लोगों की सरकार खुद अपने लिए? ये दुनिया के बड़ी तादाद में मुल्कों का तस्करा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ द मेजॉरिटी, अब इसमें होता है क्या है कि दो तरह के रुझानात या टेंडेंसी थे। हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिसे सबसे इस वक्त सबसे स्टेबल और कामयाब डेमोक्रेसी आज के दौर में कहा जाता है वो यूएसए है। यूएसए में दुनिया में सब जगह जितनी डेमोक्रेसी थी ये मॉडर्न शक्ल के अंदर तकरीबन 2-2.5 साल से चली आ रही जो जमहूरियतें हैं, जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ अवाम डायरेक्ट वोट देते हैं और हुकूमत बनती है, उसमें 20वीं सेंचुरी में सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, सबसे पहले इन्होंने औरतों को 20वीं सेंचुरी में औरतें वोट नहीं देती थी, सिर्फ मर्द दे सकते हैं। ये थी जमहूरियत कि मर्द क्या पसंद करते हैं क्या हो। तो ये 20वीं सदी तक तो ये चीज थी मौजूद सारी दुनिया के अंदर कि औरतों को वोटिंग राइट नहीं था। ये वोटिंग राइट 20वीं सेंचुरी में शुरू हुआ, फिर और दूसरे मुल्कों ने अगले 50-60 साल के अंदर लिया हल्के हल्के करके। अमेरिका के अंदर 1965 में ये कानून पास हुआ कि वो जो वहां गुलाम कहलाते हैं वो भी वोट दे सकते हैं, 1965 में, 20वीं सदी के बिल्कुल दरमियान में जाकर। उससे पहले भी डेमोक्रेसी थी, जमहूरियत थी। कैसी जमहूरियत थी कि बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का, छोटा सा नहीं है, जैसे वो स्लेव्स बाकायदा लफ्ज गुलाम था उनके लिए जो काले हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते, वोट सिर्फ वाइट्स देंगे। ये गुलामी खत्म की जाएगी, एबॉलिश की जाएगी। सचमुच पार्शियलिटी है वो तो जगह जगह रहती है कुछ, लेकिन ये कानून बना 1965 में, अमेरिकन सदर जॉनसन थे उनके जमाने में। ये तो हालत दुनिया के तजुर्बों की, जमहूरियत की आज तक चली आ रही है। यूं समझ लिए कि वोटिंग राइट्स से अगर सब लोगों को वोट देने का इख्तियार हो जाए और वो अपनी सरकार बनाए, अपनी कह सकते हैं उसे या नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है ये अभी 100 साल इसकी उम्र नहीं है, ये 2065 में होगी 100 साल इसकी उम्र, जहां हर एक वोट दे सकता है। तो ये तजुर्बा चल रहा है अभी, और उस तजुर्बे में अब ये हो गए ना इख्तियार सब जगह, तो हालत फिर ये है जो इससे पहले मैंने यहां पर बयान की अक्सरियत की। इसमें दो तरह के रुझान थे, दो टेंडेंसीज थी। जहां जहां दुनिया के अंदर, वो कम्युनिस्ट ममालिक को छोड़ दीजिए, ये दावे तो लोग किया करते हैं, वो कहते हैं हमारे यहां भी डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं कम्युनिज्म के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, यानी मजदूर तबके की डिक्टेटरशिप, ये खास स्लोगन है उसका कम्युनिज्म का कि मजदूर तबके की डिक्टेटरशिप, ताकि वो मजदूर तबका जो खुशहाल हो। किसकी डिक्टेटरशिप है, कितने मौजूद है, जो एक बहुत छोटा सा हल्का जो है जिसकी डिक्टेटरशिप वहां पर ही, वो मजदूर तबका है, उंगलियों पे गिने हुए चंद अफराद, तो वो भी ये कहते हैं, यानी कहते नहीं है, वहां प्रैक्टिकल बात यह है कि दुनिया में बिलियनर्स, अरबपति, अरबपति का मतलब अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर, 100 से ज़रब दे लीजिएगा खरबपति आपके हिसाब से, तो दुनिया में ये बिलियनर्स अमरीका के बाद सबसे ज्यादा चीन में है। क्या कहते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की कुछ नहीं हो सकती, जाती पूंजी नहीं हो सकती, जाती मिल्कियत नहीं हो सकती, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर दुनिया में चीन में। तो ये तो है हुकूमतें कैसे कर रहे हैं और उनके दावे। लेकिन जहां पर सचमुच ये हुकूमतें डायरेक्ट इलेक्शन से सारे अवाम हिस्सा लेते हैं और डायरेक्ट हुकूमतें आती हैं, वहां मैंने आप बताया कि दो रुझान हैं। कहीं तो ये है कि वो उसको जो इलेक्शन होता है, मसलन यूएसए अमेरिका, इसे वहां के बिलियनर नहीं, वो मल्टी बिलियनर उसे कंट्रोल करते हैं इलेक्शन को, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा, इसको खरबपति से और आगे के दर्जे के थोड़े से लोग हैं वो इसे टोटल इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो क्लियर कट अवाम के सामने नहीं आता। तो फिर अवाम की हुकूमत में से आम नुमाइंदे तो तस्वुर ही नहीं कर सकते इलेक्शन लड़ने का, अरे यहां नहीं कर सकते हिंदुस्तान में, कभी इत्तेफाक से किसी जगह कुछ हो जाए
लोग बहुत ज्यादा किसी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी से खफा हो, वोट किसी एक सीट के ऊपर ऐसा कोई वोटिंग कर दी। यहां कंट्रोल है पैसे वालों का, करोड़ों रुपए लगते हैं एक इलेक्शन लड़ने के अंदर, तो वहां सिर्फ रुपए या डॉलर लगते ही नहीं है बल्कि उनकी कुछ पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी फिर वो फाइनेंस करेंगे, खाली इतना ही नहीं है वो फाइनेंस करेंगे, वो पॉलिसीज उनकी पूरी दुनिया के लिए है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। तो उसके पीछे मकसद है पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और गुलाम बनाना, उसके लिए हम अमेरिका की कौन सी हुकूमत लाएं? तो आवाम की हुकूमत अपने ऊपर नहीं, ये सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कुछ लोगों का प्लान है, ये हाईजैक कर लिया डेमोक्रेसी के नाम को उन लोगों ने जब पैसे के बल पे इलेक्शन होने लगे और कम पैसे वाले कुछ न कर सकें, और नाम यह है कि आवाम वोट दे रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कोई बेईमानी वहां पोलिंग बूथ पर नहीं हो रही। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वो ये तय करते हैं कौन सी हुकूमत गिरा दी जाए दूसरे मुल्कों की, कैसे गिराई जाए, कौन सी हुकूमत बिठा दी जाए, कहां हम फौज ले जाएं, और वहां पर फिर डेमोक्रेसी या जमहूरियत के नाम पे हम अपनी जो हमारी पिट्टू हुकूमत है, ये वो कुछ लोग तय करते हैं, अमरीकी हुकूमत भी तय नहीं करती कि कहा, वो हिंट देते हैं फिर ये पॉलिसीज बनाते हैं। ये है जमहूरियत या डेमोक्रेसी, एक रुझान तो यही है दुनिया के बहुत से मुल्कों में, कैसे कुछ लोग तय करते हैं और उनकी नज़र पूरी दुनिया पर होती है कंट्रोल करने की, चूंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क है उसके जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की उनकी नज़र होती है और उनकी नीयत होती है। ये एक डेमोक्रेसी है जमहूरियत जो सबसे कामयाब और सबसे अच्छी जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है वो ये है। एक दूसरा रुझान है इससे, ये वो जो दूसरा रुझान है उसके अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है, इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कहीं कास्टिज्म आता है, कहीं रिलीजन आता है, कहीं आता है, लोग इससे नहीं देखते कि अवाम की बहबूद क्या है या मकसद क्या है। तो फिर पार्टीज के अंदर जिन्होंने वोट देकर भेजा वो ये देखते हैं हमने जिन्होंने वोट दिया और हमने जिस तरह की नारे दिए थे, हमने जिस तरह की अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी उससे हमारे कितने वोट आए थे, तो इन पॉलिसीज को चलाना है। तो यहां फिर ये जब उसे चलाते हैं तो यहां पर ये रुझान बढ़ जाता है आमरियत की तरफ, मोनार्की की तरफ, नाम डेमोक्रेसी का है, होगा इलेक्शन ही लेकिन यह हो जाएगा जो हमने तय कर दिया वही होगा। डेमोक्रेसी की जो खास आजादी के नाम पर जो खास सिफात बयान की जाती है, और सबसे पहले ये फ्रांस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये तसव्वुर आया था, फ्रांस के जो इंकलाब आया था 19वीं सदी के अंदर, कि इंसान बुनियादी तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है तो उसे हर तरह की आज़ादी चाहिए। इस्लाम कहता है नहीं हुआ आज़ाद पैदा, उसे किन हिस्सों के अंदर वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करे, अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे, और कोई ऐसा आज़ादी का इस्तेमाल नहीं हो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और फिर बात को बताऊंगा इसके आगे भी कुछ और है। तो इस तसव्वुर के साथ में ये मॉडर्न डेमोक्रेसी चली, उस वो जो फ्रांस के यहाँ ऐलान हुआ था उसके बाद से। तो यहाँ की टेंडेंसी और रुझान जो है उन वो एक था, ये दूसरा है, ये दूसरा रुझान है कि ये कंट्रोल वो ये देखती है पार्टीज के, हमारा जो हमें वोट देने वाली पार्टी कौन सी है, तो फिर इसको और प्रमोट करना है या इन जैसे और लोग बनाने हैं। ये सिर्फ किसी एक मुल्क की बात नहीं है, बहुत से मुल्कों में, और थोड़े अरसे के बाद फिर वो उसके बाद आगे भी जीतते हैं, उससे आगे भी जीतते हैं, तो कुछ अरसे के बाद, और वो बिल्कुल क्लियर कट है कि बाकी जो दूसरे ग्रुप हैं उनकी पॉलिसीज कानून इस तरह के होते हैं कि अक्सरियत जिसे वो कह रहे हैं उसे महसूस हो जाए कि हाँ हम दबा कर रख रहे हैं अकलियतों। तो ये रुझान जगह जगह है, और चूंकि उनको कुछ वोट ज्यादा मिले हैं इसलिए पावर में वो आएंगे, अगला जीते दूसरा जीते तीसरा इलेक्शन जीते, तो अब इसके साथ में इसके जब ये उन्हें मालूम है कि जीतेंगे तो हम अगर यही पॉलिसी रहेगी तो उनके अंदर एक यानी वो डिक्टेटर बनने शुरू हो जाते हैं, वो जो डिक्टेटरशिप है वो आ जाती है, ये डेमोक्रेसी रहती नहीं। उनके अपने यहाँ जो चाहे वो मिनिस्टर्स हो चाहे वो सब नाम होता है कि किसे बनाया कौन कौन है,
लेकिन असलन वो एक डिक्टेटरशिप होती है जो शुरू हो जाती है। जमहूरियत के बारे में ये दावा किया गया, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में, कि यहाँ प्रेस आज़ाद होगा, यहाँ हर एक को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी होगी, राय की आज़ादी मुकम्मल होगी। दुनिया के बहुत से मुल्क जो जहाँ पर बाकायदा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है हर एक को। आप बहुत सी जगहों पर देख चुके हैं, आपके पास खबरें आती रहती। ये पड़ोसी मुल्क है अभी, शेख हसीना, ये अभी चूंकि नया वाक़ है इसलिए मैं सामने रख रहा हूँ उसको। चौथा इलेक्शन जीता 6 जनवरी में, इनको यानी बड़ा लंबा अरसा हो गया एक हुकूमत करते हुए, चौथा इलेक्शन जीता था। अब रुझान जो है वो चाहे पड़ोसी मुल्क को देखकर और दूसरे ममालिक को देखकर बना हो, या उनके मशवरे या राय से हुआ हो, कि लोगों को कैसे कंट्रोल करें और अपने जो हमारी फिक्र है उस ग्रुप के लोगों को और कैसे बढ़ाएं। तो जो उनकी फिक्र के लोग थे, जो खास उनकी पार्टी के थे, उन्होंने कहा इनको रिजर्वेशन दे दो, हमारी और तादाद बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि इस बार का इलेक्शन फेयर बिल्कुल नहीं था वहाँ। तीसरी के बाद चौथी दफ़ा आसान नहीं होता अगर लोग जो हैं वो बहुत सी पॉलिसी से बदल हो चुके होते। तो अब फिर कोई एस वो लोग और चाहिए हमें, जो कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, वोट हमें ही दें। तो फिर वो उनके लिए, इस तरह के तबके के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का ऐलान किया। और फिर सैकड़ों लोगों को, जब उसके मुखालिफ एक लहर चली तो सैकड़ों लोगों को भून दिया। तो ये जो रुझान था कि नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, कहीं अपोजिशन में डिस्कस नहीं होगा, किसी के सामने नहीं रखा जाएगा। डेमोक्रेसी में यही था जमहूरियत के अंदर, कि आप कोई बिल लाएंगे तो आप पार्लियामेंट में रखेंगे, उसके ऊपर बहस होगी, उस पर अपोजिशन को सुनने का मौका मिलेगा, उसके बाद फिर अलग अलग ऐवानों के अंदर उसको भेजा जाएगा। किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ख़त्म हो गई। हमने कह दिया ये कानून तो बन गया, फाइनल हो गया। ये रुझान वहाँ आया, और इस रुझान की वजह से, चूँकि बाकी आवाम की अक्सरियत के को बड़ा नुकसान पहुँच रहा था, उस रिजर्वेशन से खड़े हो गए आवाम। ये सब जो ये खड़े हो गए, उन्होंने इतनी गोलियाँ खाई, ये सिर्फ आवाम खड़े नहीं हुए थे, इनको खड़ा किया गया था कहीं और से, जिनका मैंने जिक्र किया कि वो हुकूमतें जो देखती हैं कहाँ किसकी टांग खींचें और किसको बिठा दें, आवाम का जहन कैसे बनाए, मूवमेंट कहाँ कैसे कामयाब करें, कैसे फेल कर दें। तो वो हुआ ये कि फिर उनको मुल्क छोड़कर निकलना पड़ा और भागना पड़ा। ये सब हो रहा है जमहूरियतों के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। के ये दूसरा रुझान ये है कि जमहूरियतें जो हैं वो जा रही हैं डिक्टेटरशिप की तरफ। ये दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर है कि नाम जमहूरियत का है, वहाँ डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं जिनको किसी की कोई बात नहीं सुननी। मिनिस्ट्रीज जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो उनके अंदर वो अपने पार्टी इंटरेस्ट देखेंगे, देखते हैं। यही प्रैक्टिकली यही हो रहा है, नहीं करना चाहिए लेकिन पार्टी इंटरेस्ट देखेंगे कि किस रीजन का कौन सा लें, किस धर्म का कौन सा लें, किस कास्ट का कौन सा लें, और कौन सी मिनिस्ट्री दे दें, उसके अंदर सलाहियत है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत मिसालें हैं, मैं तो खाली एक रख रहा हूँ आपके सामने। हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बना दी गई थी, जो मामूली पढ़ी लिखी एक औरत को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी गई, जो खुद पढ़ी लिखी तकरीबन नहीं है, अहलियत से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब उसके बाद अब तब्दीली हुई, इस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको ये नहीं कह सकते हम के पढ़े लिखे नहीं, भाई एमए है, तो एमए को हाईली क्वालिफाइड तो नहीं कह सकते लेकिन पढ़े लिखे हैं। लेकिन उनका एमए जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में है। वो क्या सिस्टम हो एजुकेशन का, निज़ाम क्या हो, उसकी कोई सलाहियत उनके अंदर, उसकी कोई एजुकेशन, उसकी कोई उनको जो है वो इनपुट जो है उनके पास नहीं। उनको तो ऊपर से हुक्म आता है कि ये कर देना, वो इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर बहुत काबिल है लेकिन उनको ऊपर से हुक्म आता है कि ये करना है, उनका हाँ कर देंगे। कानून क्या बना नहीं। डेमोक्रेसी के अंदर ये जो रुझान जाता है डिक्टेटरशिप का, ये दूसरा, ये दो है कि जो बिग बिजनेस है, बिग बिजनेस का मतलब वो जो पूरी दुनिया के अमीर में सबसे अमीर लोग हैं, वो कुछ लोग कंट्रोल करते हैं और उसके जरिए पूरी दुनिया को कैप्चर करते हैं, वहाँ की हुकूमतों के बारे में, वहाँ की पॉलिसी में दखल रखते हैं कि इससे हमारे पास पैसा आएगा। और दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी बची नहीं, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती। ये सिर्फ इस वजह से कि अक्सरियत की हुकूमत अकलियत के ऊपर, वो चाहे अक्सरियत सही मानों में हो भी नहीं, वो इस काबिल लोग हैं या नहीं है, इन्होंने इकबाल ने कहा था
जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, गिनती होती है, तौला नहीं करते, यानी किसमें कितनी काबिलियत है। असल में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो रखी जाती, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात रख दूँ और वो भी मुख्तसर रखूँगा कि इस्लाम ने जिम्मेदारी दोनों पर रखी, वोटर के ऊपर भी, यानी ये नहीं मना किया कि वोट मत देना, तुम हुकूमत कैसे बनाओ इसमें दखल नहीं दिया, तुम्हारा दिल चाहे वोटों से बना लो उसके खिलाफ नहीं है, तुम्हारा दिल चाहे कुछ खास लोग जो हैं वो मिलकर तय कर दें कि इनको मुकर्रर कर दिया जाए, लेकिन वो वाकई बड़े एक्सपर्ट्स हों और गैर जानिबदार हों, अवाम का मफाद भी उनके मद्देनजर हो। तरीके बहुत से हो सकते हैं अलग अलग, उनमें से किसी एक को ना रिकमेंड करता है ना उसको अपोज करता है इस्लाम, ये तो उसूल बताता है कि वहाँ होना क्या चाहिए, वो चाहे फिर जिस तरीके से भी हुकूमत बने। तो इस्लाम कुछ जिम्मेदारी अवाम पर डालता है, कुछ हुकूमत के ऊपर डालता है। कुरान ने कहा कि हाँ हुकूमत तो करोगे, वशाविर हो फिर अम्र, लेकिन अपनी खाली नहीं चलाओगे, मशवरों से होगा जो हुकूमत चलेगी। मशवरे किन से लिए जाएंगे? अवाम से कहा कि अपनी प्रॉब्लम्स किसके पास भेजना, अल्लाह और रसूल के पास पहले नंबर पर, पहले नंबर के ऊपर अल्लाह और रसूल के पास, और तीसरे नंबर के ऊपर उलुल अम्र के पास, वो जो अहल हों। अब ये उलुल अम्र ये मदरसों के फारिग नहीं है खाली, उलुल अम्र का मतलब ये है कि जिस फील्ड के, जिस मैदान का जो खास माहिर है उस फील्ड में उसकी बात ज़्यादा वैल्यू रखेगी, ये नहीं कि जो इसका इलेक्शन होकर गया, और ये भी नहीं कि जिसने किसी जगह पर किसी खास इदारे के अंदर बड़ा अरबी पढ़ी थी। तो ये हर फील्ड का, हर मैदान के उलुल अम्र अलग है। तो फिर अवाम को ये हुक्म दिया कि उनके पास लेकर जाना कि जो डिड्यूस करके तुम्हारे लिए सही फैसले कर दें, वो जाने चाहिए अलग अलग मैदानों के लिए। ये है उलुल अम्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे करते थे। अब हमारे हवाले दिया थे वामरूम शूरा वैनहुम, इनका निज़ाम शूरा से चलेगा, ये बिल्कुल अलग कंटेक्स्ट में आए वामरूम शूरा वैनहुम। ये नहीं है कि एक शूरा कमेटी बनाओ हर बात में उनसे मशवरा करना, इसलिए कि हर चीज़ में वो मशवरा नहीं दे सकेंगे। इस आयत की तफसीर जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो निज़ाम सही था उसमें जब इम्प्लीमेंट किया था वहाँ देख लें, अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होते थे फैसले। राय ली जा रही है कि जंगे अहज़ाब के मौके के ऊपर बाहर निकल कर जाएँ, अंदर से एक डिफेंस कैसे करें, बड़े बड़े जो माहिरीन थे, माहिरीन जंग जिनके बड़े तजुर्बे थे, ज़िंदगी गुजर गई थी उनकी, अलग अलग राय आ रही हैं। एक राय एक ऐसे शख्स की आई जिसका इस मैदान में कोई एक्सपर्टीज महारत थी ही नहीं, सिर्फ एक, इन दोनों से डिफरेंट। उनका या रसूलल्लाह दुश्मन की ताकत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, हम तो अपने यहाँ ऐसा करते थे सलमान फारसी, हमारे यहाँ ईरान में तो ऐसा होता था कि हम खाई खोद लेते थे खंदक ताकि दुश्मन हमला ही नहीं कर पाए। जब भी ऐसा होता था सबको कैंसिल कर दिया, एक की राय ले ली, अक्सरियत की कोई वोटिंग नहीं कराई कि भाई जो ज़्यादा लोग हैं इनकी मान लूंगा। फरमाया कि वशाविर फरम, इनसे मशवरे करना, फायदा आज़म था फिर कोई फैसला कर लो, फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करके उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर लो। वो फैसला करेंगे इस बुनियाद पे भी कि जो अल्लाह का कानून है उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के कानून से अलग हटकर उस मौके पर भी सोचना है कि क्या सही क्या गलत। तो मशवरा इसलिए, मशवरा इसलिए नहीं कि जिनके वोट ज़्यादा हो गए उनकी राय मानने के लिए वो मजबूर हो गए, हालांकि कोई कुरान का हुक्म नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, खाई खोदनी है या नहीं खोदनी, तो रसूल इससे मजबूर हो जाएं। इनके तो इल्म में भी नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं, निदहन में भी नहीं था, और ये एक्सपीरियंस भी नहीं थे जिनकी राय है। तो ये नहीं है कि जिनकी राय ज़्यादा हो उसको मानने पर मजबूर होंगे, मशवरे का ये मतलब नहीं है। मशवरा इसलिए कि बहुत से पहलू किसी बात के सामने आ जाएं जो अपने जहन में नहीं थे, हमारे सामने नहीं थे, अलग अलग मशवरे आ गए, उसके बाद जो जस्ट रूलर है, आदिल हुक्मरान है, जो इंसाफ करने वाला है अगर रूलर, वो फिर उसमें से फैसला करेगा कि ये ठीक है, वो चाहे एक आदमी की राय। मशवरे का मतलब ये नहीं था कि अक्सरियत चलेगी उसके अंदर हमेशा और वोटिंग होगी, कुछ जिम्मेदारी इन पर डाली थी अवाम पर कि तुम जो सिलेक्ट करके भेजोगे, जिन लोगों को भेजोगे वो उसके अहल होने चाहिए अब अपनी फील्ड को संभालने के। और इनसे कहा, हुकूमत से कहा, वैदा हकम, तुम इंसाफ के साथ करना, किसी तरह की कहीं पर पार्शियलिटी ज्यादती किसी गिरोह के साथ में नहीं हो जाए,
जब तुमसे तुम्हारे हाथ में हुकूमत आए या ताकत आए। इन अल्लाह यामरुकुम अन तुद्दुल अमानात, अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि अमानतें लौटा देना। अब अमानत तो हम खाली यही समझते हैं पैसों वाली, पैसे रखे गए। कुरान में है कि अल्लाह ने इंसान के सामने अमानत रखी, पैसे थोड़े रखे थे और इंसान ने नहीं उठाया, और इंसान ने उठा लिया और बाकी ने नहीं उठाया, पैसे थोड़ी थे। यहां पर अमानत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि आयत के अंदर अमानत क्या है कि अमानतें लौटा देना, अमानतदार रहना। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह इस अमानत में खयानत कैसे होती है, क्या अमानत है? फरमाया कि ओहदे जो हैं वो ऐसे लोगों को दे दिए जाएं जो उसके अहल नहीं है, ये खयानत है। ये अल्लाह की अमानत थी कि तुम्हें इंसाफ के साथ में करना था, ऐसे को दे दिया कि जिनसे जरा जिनका इंप्रेशन अच्छा है, जिन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये खयानत हो गई अगर ऐसे को दिया कि अगर कोई दूसरा आदमी ज्यादा अहल था उसको छोड़कर किसी और को सिलेक्ट कर लिया तो ये खयानत हो गई। और जब ऐसी खयानत होने लगे तो कयामत का इंतजार करो। फिर ये अगर हम गौर करें कुरान की रोशनी में तो कयामत खाली वही नहीं, कयामत ये तो तबाह हो जाओगे तुम जब ऐसा होना शुरू हो जाए। तो ये उसके साथ कुछ मॉरल सिस्टम है, एक अखलाकी निदाम, उसके बगैर कोई कानून काम नहीं करता। ये अखलाकी निदाम हुकूमतें करती नहीं ना। फिर शराब पीना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखा होगा, वहां पहाड़ी इलाके में लोग ज्यादा पीते हैं कि शराब विष है, शराब छोड़ दें, ये नशा नहीं करें। किसी का कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। इस कैंपेन से तो होता नहीं। वो गुजरात में अब नहीं, एक जमाने से उनका गांधी की जी की स्टेट है, यहां पे शराब बंद, किसी एक की भी बंद नहीं हुई जो पीने वाला था। वहां पर डायरेक्ट कोई दुकान नहीं है, नहीं बिकती, कानून की वजह से नहीं बिकती। और कोई ऐसा नहीं है जो ड्रिंक करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, के जिसको दस्तियाब नहीं है, जिसको अवेलेबल नहीं है। इस कानून से तो कुछ नहीं होता। इस कानून से ऊपर कानून है जिसका ख्याल रखना है। जब तक ये नहीं दिया जाएगा इंसानियत को कि इंसान मुकम्मल आजाद नहीं पैदा हुआ है और वो अकाउंटेबल, सिर्फ उसको हिसाब देना सिर्फ इनको नहीं है, पुलिस को या हुकूमत को कि तुमने गड़बड़ तो नहीं कर ली, उसको इससे ऊपर की हुकूमत को भी हिसाब देना। इस नाम पर बंद हुई थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह हराम, तो मदीने की गलियों में बहनी शुरू हो गई। किसी ने छुई भी हाथ, उसके बाद हाथ नहीं लगाया, मुंह में थी। तो उससे आता है, वाकयात में आता है या रिवायात के अंदर आता है कि जिसके मुंह में थी वो हलक से नहीं हुई, उसने कुल्ली कर दी इसी वक्त देन एंड देयर। तो जब तक ये एहसास नहीं आ जाएगा कि सिर्फ कहीं पुलिस ना देख ले, कहीं हमारी रिपोर्ट यहां नहीं पहुंच जाए, ये हुकूमत हमें कानून से सजा दे देगी। इस सजा से नहीं जो जराइम खत्म होते, सर रखनी जरूरी है, लेकिन असल में ये एहसास है जिम्मेदारी, ये अखलाकियात की बात जब होती है, जब इस हुकूमत से ऊपर कोई दूसरी हुकूमत है, वो कानून असल में उसका होना चाहिए और उस कानून के खिलाफ कुछ और नहीं होना चाहिए, वो हमेशा के लिए होगा, उसमें बार बार अमेंडमेंट्स नहीं होंगे। ये बुनियादी तौर पर बहुत मुख्तसर उसके मुकाबले में, इसमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, कॉमन हैं, शख्सी आज़ादी होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, उन सब के साथ में तो ये तो है मुश्तरक बातें, लेकिन बुनियाद मुख्तलिफ है, अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं, अहलियत की बुनियाद पर। वो अवाम भी सोचें और तय करें कि अहल कौन है, इसे नहीं देखें, इसके अलावा क्यों नहीं देखेंगे? हमारा मफाद इसे नहीं, तुम्हारा मफाद नहीं, इससे ऊपर एक और हुकूमत है, तुम्हें उसको जवाब देना और उसको हिसाब देना है। जब इसका यकीन पैदा होगा तब उन कानून के ऊपर जो कानून वहां बनाए जाएंगे अमल करेंगे, और ये कानून फिर भी मुफीद नहीं बैठेंगे आगे जाने के बाद, उस ट्रायल एंड एरर में कहा गया नहीं नहीं ये तो गलत था, इससे बड़ी खराबी होनी थी, अब हम अगला ला रहे हैं कानून, वो जो गैर मुतबद्दिल होगा, जो कभी तब्दील नहीं होगा। और ये वो गैर मुतबद्दिल नाकाबिले तब्दील कानून सिर्फ वो बना सकता है कि जिसके अंदर कभी तब्दीली नहीं होती, जो मुस्तकबिल को भी, फ्यूचर को भी जानता है और जो हाल को भी जानता है। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं इस्लाम की कम्युनिज्म से, फैशन से नहीं, मैंने इनसे बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन बुनियादें जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं डेमोक्रेसी के साथ में, ये जमहूरियत के साथ में, वोटिंग वोट करना मना नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में ये उसूल जो हैं इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आखिरी बात इतनी सी कह दूँ कि लोग सवाल करते हैं जगह जगह, साहब ये आप तकरीरें कर रहे हैं, आपने कहा डेमोक्रेसी से अच्छा इस्लाम, आपने कहा कम्युनिज्म से अच्छा इस्लाम, और वो फैशिज्म के मुकाबले में रख दिया था। और ये इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क चारों तरफ फैले हुए, इनकी हालत खस्ता क्यों है सबको? वो जो पैसे वाले हैं वो भी किसी के कंट्रोल के अंदर है,
तो इनकी सबकी हालत खस्ता क्यों है ये कि अगर सही होता तो कामयाब होता, ये कामयाब क्यों नहीं है? ये जो बातें तो आप कर देते, तो जहां है मुसलमान तो वो तो सारे के सारे जो हैं वो खाली ऐसी आप अपनी तकरीर करते, तो ये तो कॉमनलिज्म है। आपने अपने में से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के कह दी, कामयाब क्यों नहीं है? इस मौजू पर इंशाल्लाह बात को, जैसे कि अपने आप में मौजू क्यों नहीं, कामयाब क्यों नहीं, था कामयाब, आप कामयाब क्यों नहीं, इंशाल्लाह दिन रही तो आया अगले से अगले कहीं जुमे में अगर कोई और निजाम सामने। बारकल्लाहु लना कुरान नदीम नहु ताला जवाद करीम मलिकुल बरकूस।